आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, मैं हूं ऋषभ सिंह रावत। आज कम्युनिटी शील्ड का फाइनल 7:30 बजे वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां, आपको बता देंगे कम्युनिटी शील्ड का मैच जो प्रीमियर लीग टाइटल होल्डर्स और एफए कप जो फाइनल जीतता है उनके बीच होता है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने लास्ट टाइम ये दोनों टाइटल अपने नाम किए, इसलिए इस बार रनर्स अप लिवरपूल उनके साथ भिड़ेगी। जी हाँ, वेम्बली स्टेडियम में बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, जहाँ लास्ट ईयर के यूएफा चैंपियंस लीग होल्डर और लास्ट ईयर के प्रीमियर लीग होल्डर के बीच में कम्युनिटी शील्ड का मैच होगा। लिवरपूल का जो एक स्क्वाड है उसमें डेप्थ इस बार देखने को अच्छी मिल सकती है, भले ही इन्होंने अपने जो ट्रांसफर जो इसमें सिनेरियो में इतने ज़्यादा अपने प्लेयर इंक्लूड नहीं किए, नए प्लेयर्स बाय नहीं किए, लेकिन फिर भी उनके जो यंगस्टर्स हैं ट्रेंट एंडन आर्नल्ड और जो रॉबर्टसन हैं वो बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस रहा था उनका लास्ट टाइम। वहीं पेप गार्डियोला की टीम की बात करें तो उनका स्क्वाड डेप्थ का तो हर कोई जानता है कि कितने, इसलिए वो कितने मशहूर हैं वो। तो इस बार एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। आपको हम टीम न्यूज़ के बारे में बता दें, जी हाँ, सैडियो माने जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में, वो रेस्ट किए जा सकते हैं। साथ ही में शकीरी और नेबी कीटा इंजर्ड है इस मैच के लिए। और वहीं मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो पेप गार्डियोला ने कहा था कि शायद अग्यूरो और जीसस स्टार्ट करते हुए नहीं दिख सकते हैं, उन्होंने भी अमेरिका का लंबा शेड्यूल किया है तो मे बी वो फिट नहीं हुए इतने, लेकिन फिर भी उनकी जो स्क्वाड डेप्थ की हम बात कर रहे थे वो भी बहुत है। तो हमें अगर एक जो अच्छा सा रोमांचक एक जो कॉन्टेस्ट है वो जरूर देखने को मिलेगा 7:30 बजे वेम्बली में, बहुत सारी टीम न्यूज़ के साथ और फुटबॉल अपडेट के साथ हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। थैंक यू।